यहाँ पर भी ग्लो आ रहा है, लेकिन इसका हाइड्रेशन लेवल बहुत बढ़िया है ना। हेलो दोस्तों, मैं आज आ गई हूँ आप सभी के लिए कंपैरिजन वीडियो लेकर। तो हम बात करेंगे आज गुडराइस इंस्टा ग्लो उबटन टोनर के साथ, गुडराइस का फॉरएवर कलेक्शन से एक्वा सी मिनरल हाइड्रा बूस्ट टोनर का एक कंपैरिजन वीडियो। ये वीडियो में आपको बताऊंगी सारे डिटेल्स इस टोनर के बारे में, लेकिन दोनों ही टोनर अपने आप में बहुत अच्छा है। दोनों ही टोनर के जो बेनिफिट है वो अलग अलग हैं, तो मेरे लिए तो ये दोनों बहुत अच्छा काम किया है। आप बताना कि ये दोनों टोनर में से कौन सा बेटर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो पहले बात करेंगे पैकेजिंग की, तो दोनों ही पैकेजिंग आप दे पा रहे हो, बिल्कुल प्लास्टिक बॉटल का होता है और दोनों ही एकदम स्प्रे बॉटल का आता है, जो बहुत टोनर के लिए कन्वीनियंट है। और दोनों ही बॉटल ट्रैवल फ्रेंडली है। बस यही है कि गुडवाइल्स का टोनर जो है ना, यहाँ पर आपको टोनर दिखेगा नहीं, एकदम ब्लैक कलर का बॉटल है, लेकिन इसमें आपको टोनर दिखेगा। इसका कलर भी आप देख पा रहे होंगे कितना ऐसे लाइट स्काई एक्वा कलर का है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल का है, ठीक है। दोनों का जो स्टाइल है दोनों से अलग है, यही बस डिफरेंस है इन दोनों में। अब बात करेंगे कि ये जो दो टोनर है, ये टोनर इन दोनों में क्वांटिटी कितना है। गुडराइस का उपटन इंस्टा ग्लो टोनर का जो क्वांटिटी है ये है 120 ml, और एक्वा सी मिनरल हाइड्रा बूस्ट टोनर का जो क्वांटिटी है ये है 100 ml, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। गुडवाइज इंस्टा ग्लो उपटन टोनर में जो क्या इंग्रेडिएंट्स है उसका लिस्ट मैं यहाँ पर दे रही हूँ, मैं आप लोग फिर भी बता देती हूँ। इसमें एक्वा, नायसिनामाइड, ग्लिसरीन, बैम्बू एक्स्ट्रैक्ट, ग्लाइकोलिक एसिड, सेफ्रॉन एक्स्ट्रैक्ट, टर्मरिक एसिड एक्स्ट्रैक्ट, साइट्रिक एसिड, एलोवेरा लीफ एक्स्ट्रैक्ट, क्यूकम्बर एक्स्ट्रैक्ट, लिकोराइश रूट एक्स्ट्रैक्ट, इसके बाद ककाडू प्लम फ्रूट एक्स्ट्रैक्ट। ककाडू क्या होता है, मेरे पिछले वीडियो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी, आप वापस जाके देख लेना ककाडू क्या होता है। इसका बहुत बहुत बेनिफिट है, ठीक है। इसके बाद है इसमें हाइलुरोनिक एसिड एंड सेरामाइड 3। तो बेनिफिट हम बाद में बताएंगे, मैं बस अभी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बता देती हूँ। अब बात करेंगे एक्वा सी मिनरल हाइड्रेशन बूस्टर टोनर में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उसका भी लिस्ट मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप वहाँ पर देख लो। बैम्बू एक्स्ट्रैक्ट है, रोज वाटर है, इसके बाद है रोज फ्लावर एक्स्ट्रैक्ट है, नायसिनामाइड है, साइट्रिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है, एलांटोइन है एंड सीवीड एक्स्ट्रैक्ट है। इसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा कम है लेकिन पावरफुल है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके जो अब देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, गुड वाइब्स इंस्टा ग्लो टोनर जो है ना, ये आपके स्किन से जो भी डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स है, एक्नी मार्क्स है, या स्किन को डल है, तो उससे बहुत ब्राइटन अप करता है, लाइटन अप करता है, स्किन काफ़ी हेल्दी रखता है और एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका भी फुल रिव्यू मैं दिया हुआ है, आई बटन में जाके देख लीजिएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। इसका फुल रिव्यू किया हुआ है, इसमें क्या क्या है, वो क्या क्या काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अब बात करते हैं इसका गुडवाइस एक्वा सी मिनरल हाइड्रा बूस्ट टोनर। अब एक्वा हम जानते हैं बहुत हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, सीवीड जो है उसका भी डिटेल्स में, इसका भी फुल रिव्यू मैंने किया हुआ है, उसका भी आप जाके आई बटन में देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जाके देख लेना। ये टोनर आपको क्या करता है पता है, ये टोनर आपके स्किन को बहुत हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। समर्स के टाइम पे ये बेस्ट टोनर है मैं कहूँगी, क्योंकि ये अप्लाई करने के बाद जब आप पंखे के नीचे बैठोगे, एकदम एक सेंसेशन कूलिंग फील होगा, एकदम ठंडा हो जाएगा फेस, इतना रिफ्रेश लगेगा, मतलब एक एनर्जी आ जाएगा फिर से काम करने की, ठीक है। तो ये वाला टोनर भी मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ कि सभी प्रोडक्ट सभी के लिए बने नहीं होते गाइज। आप लोगों को बिल्कुल कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर करना होता है, क्योंकि ये सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बना होता है। ये दोनों ही दोनों जो टोनर है, पैराबिन फ्री है, सल्फर फ्री है, मिनरल ऑयल्स फ्री है एंड नो एनिमल टेस्टेड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, वेगन प्रोडक्ट है। सो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन को ज़्यादा इरीटेट करता है लेकिन कोई हार्म नहीं पहुँचाता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसे अप्लाई करने के पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना, एंड उसके बाद अगर सूट करे फिर इसे यूज़ करना, ठीक है। बाकी मेरे लिए तो ये 10/10 प्रोडक्ट है, दोनों ही दोनों अपने आप में बहुत अच्छा है। अब बात करूँगी इसका प्राइस के बारे में, तो उपटन टोनर का जो प्राइस है वो 235 रुपीज़,
एंड ये जो एक्वा सेमिनल हाइड्राबूस टोनर है इसका प्राइस है 349 रुपीज़। या ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इतना टोनर मैंने यूज़ किया, लेकिन ये वाला टोनर के जैसा सेंसेशन, ठंडक फील मुझे कोई भी टोनर नहीं करवा सकती। तो ये टोनर मैं कहूँगी कि समर्स के लिए बेस्ट टोनर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्किन टाइप के बारे में। तो स्किन टाइप कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, तो अभी मैं बता देती हूँ कि स्किन टाइप तो ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी बताया ये दोनों ही नॉन स्टिकी है, बिल्कुल ऑयली स्किन वाले हो, कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो, ये तो ड्राई स्किन वाले के लिए बेस्ट है, ऑयली स्किन वाले के लिए ये बेस्ट है। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ आप लोग ज़रा पैच टेस्ट करके उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट सभी के लिए बने नहीं होते, हर एक इंसान के स्किन कंसर्न अलग अलग होता है, स्किन कंडीशन अलग होते हैं, तो उनके बेसिस पे आपको चूज़ करना चाहिए। मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट भी यहाँ पर दे चुकी हूँ, तो आप जाके देखना कौन सा इंग्रेडिएंट्स आपको सूट नहीं करता है, तो उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट लेना होता है, चूज़ करना होता है। प्रोडक्ट अच्छा हो, हम लोग तो आप लोगों को बताते हैं, लेकिन आपको ये देखना होता है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। अगर उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है जो आपको सूट नहीं करता, तो गाइस प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में पूरे इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ और उसका भी बेनिफिट मैं बताती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए और आपको ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, सो अब लिख लेते हैं डेमो। मैं इस साइड पे लगाऊंगी गुड ड्राइज उपटन इंस्टाग्लो टोनर। एंड इस साइड पे लगाऊंगी मैं ये वाला एक्वा हाइड्राबूस टोनर। ठीक है, यहाँ पर भी ग्लो आ रहा है, लेकिन इसका हाइड्रेशन लेवल बहुत बढ़िया है ना। सो इस साइड पे मैंने लगाया है एक्वा से मिनरल बूस्टर टोनर, और इस साइड पे मैंने लगाया है उपटन टोनर। तो कौन सा ज्यादा ग्लो कर रहा है आप बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा ही टोनर और रिव्यूज कंपेरिजन वीडियो पसंद है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और मेरा और एक कंपेरिजन वीडियो है फॉस्टर मॉइस्चराइजर वर्सेस गुड वाइब्स जेल क्रीम, तो वो भी आप आई बटन पे जाकर देख लेना, यहाँ पर भी मैं दे देती हूँ। एंड इसके साथ एक्वा सी रेंज का फुल रिव्यू दिया हुआ है स्क्रब के साथ, वो भी मैंने यहाँ पर दे देती हूँ, तो आप जाके देख लेना और आपको तरी मदद मिल जाएगा। ओके, से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।